सब लोग सही सलामत वापस आ गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज ट्रिप का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। आज हम लोग जा रहे हैं आइकाको स्नॉर्कलिंग टूर, जो स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे। अभी बज रहे हैं 7:15 और मैं रेडी हो चुका हूँ, बाकी सब लोग रेडी हो रहे हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम 7:30 तक घर से निकल जाएंगे। वो लोग पिकअप एंड ड्रॉप भी प्रोवाइड कराते हैं, बट हम खुद अपनी गाड़ी से जाएंगे। तो अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो तो पार्किंग बिल्कुल फ्री है, आप अपनी गाड़ी वहाँ पर फ्री में पार्क कर सकते हो। और अगर आप पिक एंड ड्रॉप लेना चाहते हो तो पिक एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपकी जब आप टिकट बुक करते हो आपको साथ में फ्री मिलता है। तो ये है जी आज का अपडेट और आज की प्लानिंग। एक बार क्रूज़ का जो टाइम है 9 बजे से शायद 3 बजे तक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आसपास की क्या चीज़ें और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने आपको रात को बताया था कि सामने हमारे घर के बीच है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सी व्यू है, ये है जी घर के सामने का व्यू, और वहाँ से कुछ बीच का एंट्रेंस है जो प्राइवेट एक्सेस है हमारे पास बीच का, हम वहाँ से बीच को एक्सेस कर सकते हैं। और ये है जी कुछ सोसाइटी में जिसमें हम रुके हुए हैं, और पीछे कुछ माउंटेन्स का व्यू है, सामने सी व्यू है, और बहुत सुंदर जगह है, बहुत शांत जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये जो स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर जा रही हैं, ये हमें रूफ टॉप का एक्सेस है, और जो टॉप फ्लोर हमारे पास है इस घर का, तो इसका प्राइवेट एक्सेस हमारे पास ही है। ऊपर का तो नज़ारा बहुत शानदार है, ये सामने बिल्कुल सी, और ये यहाँ पे उन्होंने कुछ चेयर्स रखी हैं, ये कुछ फर्नीचर है ऊपर, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये ग्रिल है, और ये कुछ ऊपर से ऐसा व्यू है सामने इधर का, ये माउंटेन व्यू, ये सी व्यू है, और घर के पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे अगर टाइम से फ्री होंगे तो आज रूफ टॉप पर बैठ के थोड़ा इन्जॉय करेंगे, बच्चे भी इन्जॉय करेंगे, हम भी इन्जॉय करेंगे। तो ये है जी कुछ रूफ टॉप का हिसाब किताब। गाड़ी में सामान लोड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आधा घंटा जाने में लगेगा। तो आज एंजॉय करेंगे आइकाकोस स्नॉर्कलिंग टूर को, तो चलते हैं और करते हैं स्टार्ट। चाय तैयार हो गई है जी, चाय पी लेते हैं और चाय पी के निकलते हैं। गाड़ी में बैठ के अभी निकले हैं क्रूज के लिए। प्लान किया था कि 7:30 बजे निकलेंगे, बट अभी टाइम दिख रहा है कि 8 बज गए हैं, और 8:20 पे हम लोग 8:25 पे वहाँ पहुँचेंगे, और 8:30 बजे से बोर्डिंग स्टार्ट है, और मतलब 8:30 से पहले पहले यानी हवा में पहुँचना पड़ेगा। तो ड्राइव तो अभी 20 मिनट की है, एज़ पर मैप हम 8:22-8:23 पे पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं, वहाँ जाके पार्किंग भी ढूंढनी है। पार्किंग तो वैसे उन्होंने बोला था कि हमारे जो उनका ऑफिस है उसके पास ही है। तो ये था इनका ईस्ट आइलैंड एक्सकर्शन। मैंने चेक इन तो कर लिया है, मुझे ये 6 पासेज इन्होंने दे दिया है। तो बोर्डिंग टाइम अभी 3 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, और ये पासेज देके शायद मुझे जो स्नॉर्कलिंग गियर है वो मिल जाएंगे। तो अभी मैं उन लोगों का वेट कर रहा हूँ, अभी वो लोग नहीं आए हैं पीछे से, उनको भी आने में टाइम लग रहा है, शायद गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहे थे वो लोग। तो बट ठीक है, ऑन टाइम है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच गए हैं जो बोर्ड करने के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये सामने जो काउंटर है, यहाँ पे मुझे ये देखे मुझे स्नॉर्कलिंग गियर मिल जाएंगे, लोग स्नॉर्कलिंग गियर अपने ले रहे हैं यहाँ से, और वो एंट्री वहाँ से सब वो क्रूज़ के लिए लोग वहाँ से जा रहे हैं। तो अभी उन लोगों का वेट करता हूँ, जैसे ही वो आते हैं फिर हम लोग उसको बोर्ड करते हैं। ये है जो स्नॉर्कलिंग करने के लिए उन्होंने गियर्स दिए। तो अनाउंसमेंट हो गई है कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, वो सामने स्टेयर से ऊपर जाके चलते हैं और बोर्डिंग करते हैं। सामने सामने जो वो दिख रहा है ना हमारे को फेरी, वो वाली फेरी हमें बोर्ड करनी है, वो वाला क्रूज़ है हमारा। क्रूज़ पे हम जाएंगे और क्रूज़ पे जाके घूमी घूमी करेंगे कोको मेलन के साथ। क्या भैया, अच्छ घूमी घूमी करने जानी है, क्या भैया, अच्छ एच वन इज एक्साइटेड टू गो टू क्रूज़। तो क्रूज़ जा रहे हैं, 5 मिनट में क्रूज़ बोर्ड हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है, सनस्क्रीन लगा ली है, लेकिन फिर भी मतलब गर्मी टेम्परेचर शायद 31-32 डिग्री है, बट बेयर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब जहाँ पे धूप पड़ रही है जल रहा है बिल्कुल, मतलब भयंकर वाली तेज़ धूप है। और बीच में जाएंगे थोड़ी हवा लगेगी तो ठीक लगेगा, पर अभी तो बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। तो चलते हैं फटाफट बोर्ड कर लेते हैं। Good morning. How are you? Have a kid with you, have to sit inside. Sit inside? Okay.
ब्रीफिंग खत्म हो गई है और क्रूज अपने टाइम पर निकल गया है यहाँ से, तो अभी एग्जैक्ट 9 बजे सेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो बिल्कुल 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 ऑन द टाइम है भाई साहब, 1 मिनट का भी डिले नहीं है, मतलब ब्रीफिंग भी उसने ऑन द टाइम खत्म की है। क्रूज पे लंच इंक्लूडेड है और ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड है। ये नीचे छोटा छोटा सा काउंटर यहाँ पे, पता नहीं मुझे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, थोड़ी अंधेरा आ नीचे, तो ये ड्रिंक्स भी हैं इसमें, पानी, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिस हमारे जो टिकट है उसके साथ ही, और लंच में भी वेज ऑप्शन भी हैं, नॉन वेज ऑप्शन भी हैं। तो लंच शायद ये 1:30 या 2 बजे के आसपास सर्व करेंगे, अभी 7 हुए हैं। अब थोड़ा क्लाउडी हो गया वेदर, धूप थोड़ी कम होगी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो टेम्परेचर 30 डिग्री है लेकिन गर्मी नेक्स्ट लेवल थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आइलैंड्स पे ह्यूमिडिटी जनरली होती है बट आज बहुत ज़्यादा थी कि धूप बहुत तेज़ थी, तो अभी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है। मैंने पीने के लिए इनसे पानी मांगा था, पानी दिखाता हूँ, पानी में पानी और इसके अंदर पूरी ऊपर तक बर्फ़ भरी हुई है, इतना चिल्ड है कि ये पिया भी नहीं जा रहा, बट अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी है तो ठंडा ठंडा पानी पीने में बहुत मज़ा आ रहा है, बट पानी के नाम पे बिल्कुल बर्फ घोल के देते हैं ये लोग। दो बच्चे हमारे, बर्थडे बॉय एंड वानी नीचे बैठे हुए हैं, तो बच्चों को लाना ऊपर अलाउड नहीं है, तो भी बहुत एंजॉय करते हैं, तो बच्चे छोटे नीचे ही रहने चाहिए, वो सेफ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। तो अभी टाइम हुए 9:45, इकाकोस आइलैंड, ये जो सामने आइलैंड दिख रहा है ये है इकाकोस आइलैंड, शायद ये यहीं पर जाके हॉल्ट लेगा और फिर जो लोग वाटर एक्टिविटी करना चाहते हैं वाटर एक्टिविटी करेंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा होगा शायद, ऐसा ना हो बट मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड से ये आइलैंड की तरफ जा रहा है शायद वो इकाकोस आइलैंड वही सामने वाला ही है, तो उसके पास पहुँचने में शायद यहाँ से जिस स्पीड से चल रहा है 10 मिनट लगने चाहिए, और जो इसका टाइम इन्होंने दिया था 9 बजे से दोपहर को 3 बजे तक दिया था, अभी 10 बजे हैं तो 3 बजने में भी 4-5 घंटे हैं, तो 4-5 घंटे में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल है अदरवाइज़ अच्छा है। जब भी आप ऐसी कोई एक्टिविटी करने के लिए आ रहे हो, सनस्क्रीन, सनग्लास, अपनी कैप, ये सब चीज़ें मस्ट हैं आपको अपने साथ लेके आनी, अदरवाइज़ आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही क्रूज एक ये खड़ा हुआ है, एक ये खड़ा हुआ है, हमारा क्रूज भी शायद वहीं पे जाके ये पार्क कर देंगे और फिर वहाँ पे अपनी जो भी आपको वाटर एक्टिविटी है वो कर सकते हो। तो बस हम भी ऑलमोस्ट आइलैंड पर पहुँच ही गए हैं, तो ये आइलैंड का नाम है इकाकोस आइलैंड, वहाँ से चल के यहाँ पहुँचने में पूरे 50 मिनट लगे हैं, 50 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो अभी कपड़े हम लोगों ने चेंज कर लिए, मैंने ये ड्रिंक लिए, सामने भी काउंटर चल रहा है, बाहर चल रहा है, तो यहाँ से जो भी ड्रिंक जिसको पीनी है वो अपनी ड्रिंक ले सकता है। मैंने अभी गुआवा जूस लिया है जो विद आइस, तो गर्मी में बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लग रहा है पीने में, ठंडा बहुत ज़्यादा, जूस पी रही है, पानी यम पियो। तो 10 बजे इन्होंने यहाँ पे क्रूज पार्क कर दिया था, तो अभी यहाँ से निकल के उधर चलते हैं बीच पे, तो अभी बहुत सारे लोग उधर बीच पे पहुँच चुके हैं और एंजॉय कर रहे हैं, तो उधर चलते हैं। ये नीचे यहाँ से स्टेयर्स आ रही हैं, स्टेयर से नीचे निकल के आप उस आइलैंड को एक्सेस कर सकते हो, तो अभी यहाँ से नीचे उतर के वहाँ जाएंगे, तो क्रूज से नीचे हेल्प लेके उतरना पड़ा, थोड़ा सा गहरा है पानी। ओ बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय। पानी से बाहर निकल के आते हैं फिर गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, फिर पानी के अंदर चलते हैं वापस, पानी के अंदर से बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यार, पानी बहुत नमकीन है, अभी स्पर्श शायद ऊपर गया है कुछ ड्रिंक्स लेने, जूस लेके आते हैं, कुछ वो स्नोकलिंग गियर भी ऊपर है, वो स्नोकलिंग गियर भी लेने गया है, वो फिर से नीचे आएगा दोबारा, तो काफ़ी सारे लोग तो स्नोकलिंग करके फिर ऊपर क्रूज के ऊपर चले गए हैं,
अभी इन्होंने बोला है कि 1 बजे के आसपास शायद ये बफे लंच लगाएंगे इसी क्रूज के बाहर, टेबल्स बफे स्टाइल। तो जब लंच लगेगा तो अनाउंस करेंगे, तो लंच में मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं आज लंच में। बाकी ओवरऑल वर्थ है, मज़ा आ रहा है बहुत यहाँ पे आके। पहुंच गया भाई वापस सामान सामान लेके। अंदर अभी स्नॉर्कलिंग गियर पहन के गई है पानी के अंदर। कैसा लगा भाई, मजा आया? तो ये है जी बर्थडे बॉय, ये बर्थडे बॉय भी स्नॉर्कलिंग गियर पहन के आया। देखो, हेलो बर्थडे बॉय, हाय हाय, चलो रेडी फॉर स्नॉर्कलिंग, ये स्नॉर्कलिंग भी कर ली थोड़ी बहुत जितनी हो सकी, एक्सपीरियंस तो बिल्कुल जीरो है स्नॉर्कलिंग करने का, स्विमिंग का तो बिल्कुल भी नहीं है। और लंच अंदर अभी लग चुका है, मैं अभी अंदर गया था देखने, लंच स्टार्ट हो चुका है जिसमें कुछ सैंडविचेस दे रहे हैं ये लोग, ड्रिंक्स हैं साथ में कुछ। तो मोस्ट ऑफ द लोग आपको दिख रहा होगा ऊपर चले गए हैं वापस, ये सब खाली हो गया है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अब लेके बच्चों को वापस चलते हैं उधर और थोड़ा खाना का लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगर होगा तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो कपड़े चेंज करके ऊपर बैठेंगे। काफ़ी देर से 1-1.5 घंटे से हम लोग यही कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी मज़ा आया सब करके। और ये पीछे पूरा बीच का एरिया पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है, उधर काफ़ी सारे लोग इससे अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बीच को एंजॉय कर रहे हैं। इधर सारे क्रूज ये इन्होंने लगाए हुए हैं, सब जो लोग क्रूज से हैं उनके लिए ये एरिया इन्होंने रिजर्व कर रखा है, यहाँ पर सिर्फ क्रूज वाले लोग ही एंजॉय कर रहे हैं, जो बीच वाले लोग हैं वो पहली तरफ एंजॉय कर रहे हैं। तो अच्छा है, ओवरऑल मस्ट डू एक्टिविटी है अगर आप पोर्टो रिको आ रहे हो तो। ये एक्टिविटी किसी भी क्रूज़ के बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, किसी भी ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हो, सब सेम ही एक्टिविटी कराते हैं, सबके प्राइजेस अलग हैं। हमने इस क्रूज़ को इसलिए चुना था क्योंकि इसमें इन्फेंट बच्चे अलाउड थे, बाकी किसी में बच्चे अलाउड नहीं थे। तो आप बच्चों अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, बच्चों के साथ बहुत लिमिटेशन है, तो आपको कुछ स्पेसिफिक जो ऑपरेटर्स होंगे वो आपको अलाउ करेंगे बच्चों को लाना। तो मैं रिकमेंड करूँगा जब भी आप यहाँ आ रहे हो ये एक्टिविटी ज़रूर करो, मस्त एक्टिविटी है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो वानी को इंदर को ड्रॉप कर दिया ऊपर, अब एक बच्चा हमारा रह गया बर्थडे बॉय, उसको ड्रॉप कर देते हैं और फिर हम लोग भी चलते हैं ऊपर। कुछ यहाँ पे हम जो जूस ड्रिंक्स लेके आए थे उसका ट्रैश है वो भी ऊपर लेके जाना, यहाँ पे कुछ छोड़ सकते तो वो उठाते हैं और चलते हैं अंदर वापस क्रूज पे। सब लोग सही सलामत वापस आ गए। चलो
लंच में जो इनका मेन्यू था बफे, उसमें ब्रेड थी, काइंड ऑफ हम अपनी देसी भाषा में कहते हैं सबवे, वो आपको खुद से बना के अपनी फेवरेट सॉसेस डाल के आप उसको खा सकते हो। उसमें वेज भी था, उसमें नॉन वेज भी था, और पास्ता है, चिप्स हैं बच्चों के लिए, ड्रिंक्स में गुआवा नेक्टर है, मैंगो नेक्टर है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बियर है, और भी काफ़ी सारी ड्रिंक्स हैं, जिसको ड्रिंक जैसी पसंद है वैसे ड्रिंक ले सकते हैं। तो इन्हें हॉर्न बजा दिया कि अभी यहाँ से निकल जाएंगे वापस, तो अभी निकलने का टाइम होगा। निकलने से पहले अभी काउंटिंग कर रहे हैं कि सब लोग पूरे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ बोर्ड होके आए थे वो सब वापस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, एक बार एक रैंडम काउंट कर रहे हैं सबका, क्योंकि अच्छी चीज़ है, कोई अगर इधर उधर होगा तो पता चल जाएगा, उसको हॉर्न बजा के या अनाउंस करके बुला लेंगे। पानी का कलर यहाँ पे एकदम टर्कोइश वाटर है, अभी इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिखेगा तो देखो इतना बिल्कुल रियल में बिल्कुल नीला पानी है टर्कोइश। अभी शायद वहाँ से निकलने के बाद इन्होंने बोला एक शायद एक जगह पे और लेके जाएंगे जहाँ पे ये लोग स्नॉकलिंग करने वाले हैं, शायद 15-20 फीट जहाँ पे गहरा पानी होगा वहाँ पे अगर किसी को स्नॉकलिंग करनी है तो वहाँ लेके जा रहे हैं शायद, उस जगह से निकल के वो वाला आइलैंड वो बिल्कुल पीछे रह गया। ये सामने जो आइलैंड दिख रहा है शायद इस पे अभी ये ब्रेक लगाएंगे एक बार, तो सामने एक आइलैंड है, तो इन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आपको स्नॉकलिंग करनी है बिल्कुल इसके फ्रंट पे करनी है, उधर बैक साइड पे नहीं जाना है किसी को भी, उधर बहुत पानी गहरा है और उधर कोई लाइफ सपोर्ट नहीं है, तो इधर ये थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, तो जिसको अभी स्नॉकलिंग करनी है तो इसके इस रेडियस में यहाँ से वहाँ तक कर सकता है। अभी बहुत सारे लोग रेडी हो रहे हैं स्नॉकलिंग जाने के लिए, तो हमारा तो स्विमिंग से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो हम तो नहीं जाएंगे, तो हम ऊपर से खड़े होकर लोगों को देखेंगे, बट लोग स्नॉकलिंग करने जा रहे हैं, तो ये लास्ट स्टॉप है, इसके बाद जब यहाँ से चलेंगे तो सीधा डॉक जाएंगे। डॉक का जो टाइम इन्होंने बताया था 3:30, तो 1:40 में इन्होंने बोला यहाँ से निकल जाएंगे, अभी 1:10 हुए हैं तो आधा घंटा अभी यहाँ पर रुकेंगे। उधर भी चले गए लोग, वो आगे तक भी पहुँच चुके हैं काफ़ी सारे लोग स्नॉकलिंग करते करते, बहुत दूर तक चले गए हैं। पानी के बीच में जो डार्क पैचेस अगर आपको नज़र आ रहे होंगे तो वो सारे कोरल्स हैं, तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि उस कोरल्स के पास आपको बिल्कुल नहीं जाना, उनको टच नहीं करना कोरल्स को, तो दूर रहना, जितने भी डार्क पैचेस दिख रहे हैं सारे कोरल्स हैं। तो क्रूज तो पूरा खाली हो गया, ऑलमोस्ट सारी जनता नीचे चली गई है। इसको देख के पता चल रहा है कि जो लोग नीचे स्नॉकलिंग कर रहे हैं मज़ा बहुत आ रहा होगा, ये स्नॉकलिंग चल रही है, पूरा एरिया कैप्चर हो चुका है स्नॉकलिंग करने वालों का। आ रहे हैं इंदर और स्पर्श स्नॉकलिंग करने के लिए, दो प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, वो जा रहे हैं मिस्टर स्पर्श, वो इंदर नीचे चली गई है, ये स्पर्श और वो इंदर रस्सी पकड़ के स्नॉकलिंग चल रही है। आगे आओ भाई स्पर्श, आगे आओ भाई, दिख ही नहीं रहे हो तुम तो यार।
पहुंच गए हैं डॉक पे वापस। अभी टाइम बच गया 3:15, अभी से डी बोर्ड होते हैं और फिर गाड़ी की पार्किंग की तरफ चलेंगे, गाड़ी उठाएंगे और घर चलते हैं, घर चल के थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो डॉक पे वापस आ गए हैं, ये पीछे है वही फेरी जिस हम गए थे और ये सब जनता वापस आ रही है। ये बैटरी वाला रिक्शा, इस पर बैठ गए, हमें ड्रॉप कर देगा कार पार्किंग तक, पैदल चल के जाना तो बहुत मुश्किल लग रहा था। ये पार्किंग में पहुंच गए, अभी यहां से निकल रहे हैं घर के लिए। उसके बाद घर के पास एक बीच जो मैंने आपको बताया था प्राइवेट एक्सेस है हमारे पास, उसको एक्सप्लोर करते हैं और घर से थोड़ा सा हाफ माइल पे एक मार्केट है तो वहाँ भी जाएंगे आज शाम। तो अभी घर जाने के बाद रेस्ट करते हैं और आपसे मिलता हूँ मैं 1-1.5-2 घंटे के बाद। तो हम लोग 3:30 बजे घर पहुँच गए थे और फिर आके शावर लिया, थोड़ा रेस्ट किया। अभी 6:30 अप्रॉक्सीमेटली 7 बज गए हैं। तो आज जो कपल हमारे साथ हैं स्पर्श और टीना, उनके बेटे का 3rd बर्थडे है, तो हमने ये प्लान किया कि उसका बर्थडे केक जो हमारे घर के पास बीच है वहाँ पे कट करेंगे। मैंने आपसे डिस्कस किया था, पहले बताया था कि बीच है तो बीच का एक्सेस बिल्कुल बहुत दूर नहीं है, यहाँ से बहुत पास है। कीज़ हमारे पास हैं जो प्राइवेट एक्सेस है, जो इस सोसाइटी के रेजिडेंट हैं उनके लिए, तो हमने एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया है तो हमें भी वो कीज़ मिली हैं और हम भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले केक कट कर लेते हैं फिर मार्केट चलते हैं। तो अभी निकल रहे हैं बीच के लिए। तो बीच का ये गेट था, इसको हम बाहर से आगे हमने इसको ओपन कर लिया, अभी इसको लॉक कर दिया, बाहर लिखा हुआ कि इसको ऑल द टाइम लॉक रखना है। तो ये है जी ये बीच, एक छोटा सा एक ग्राउंड भी है, इसमें कुछ टेबल्स भी लगे हुए हैं बैठने के लिए और एक ये टेबल है। सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, केक आ चुका है, केक दिखाओ बर्थडे केक। ये है जी स्पाइडरमैन बर्थडे केक, हैप्पी बर्थडे अंगद। ये है बर्थडे बॉय, ये है बर्थडे बॉय हैरी, नाउ यू आर 3। Yes. तो जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कपल हमारे साथ ट्रेवल कर रहा है वो स्पर्श और टीना और उनका बेटा जिसको मैंने भी दिखाया उसका हैप्पी बर्थडे। ये है मिस्टर स्पर्श, हेलो, ये है टीना और वो है पीछे हैरी जिसका अभी हम बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं, इसका केक कट करने हैं और उसको फुल ऑन मस्ती चढ़ी हुई है अपना, वो देखो 3 लेके खुद आगे आगे जा रहा है। हैरी से हाय, हैरी से हाय, से हाय, शर्मा जी। टेबल्स उधर भी लगे हैं, वॉलीबॉल भी खेल सकते हो और वो कुछ लोगों की जो अपनी पर्सनल बोट्स होंगी वो वहाँ पे खड़ी हैं। तो ये है जी इस सोसाइटी के बीच का हिसाब किताब। तो अभी केक कट करते हैं, बर्थडे बॉय को हमने चढ़ा दिया टेबल पे ये केक विद नाइफ। चलो लेट्स कट द केक हैरी, लेट्स कट द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंगद। केक गिरेगा, केक ध्यान रखना। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जी केक कट हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई, तो अब घर चलेंगे वापस और फिर मार्केट वाला काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, मार्केट घूमते हैं और देखते हैं डिनर बाहर करना है या घर पे करना है वो भी डिसाइड कर लेते हैं। गाड़ी हमने इस गली के अंदर जाके पार्क की है, तो पार्किंग है और ये राइट साइड में पूरा सी शोर है और अभी पूरा सा क्राउड है। ये सामने पूरी मार्केट, तो ये डाउनटाउन कह सकते हैं इस जगह को, ये इसका जो भी शहर है इसका डाउनटाउन है क्योंकि मार्केट सब यहीं पे ही हैं, सारी शॉप्स हैं, काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, नॉर्मल जनरल स्टोर्स भी हैं, बार्स भी हैं, होटल्स भी हैं और बाकी सारी छोटी मोटी दुकानें काफ़ी सारी हैं। और जो सी शोर है इसके जो कॉर्नर के ऊपर छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं स्टॉल्स लगे हुए वैसे स्टॉल्स भी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, लैंग्वेज कंस्ट्रेंट भी है कि ज़्यादातर लोग स्पेनिश बोलते हैं और कई लोगों का सिस्टम ऐसा है उनको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती, इंग्लिश नहीं बोल सकते, स्पेनिश ही बोलते हैं और स्पेनिश तो हमारे को दूर दूर तक समझ में नहीं आती है।
तो लैंग्वेज कंस्ट्रेंट भी एक चीज़ है, और म्यूज़िक भी जितना सुनने को मिल रहा है वो सब स्पेनिश ही बज रहा है। मतलब इंग्लिश गाना शायद 100 में से कोई एक आधा बजता होगा, इंग्लिश नहीं बजता म्यूज़िक, स्पेनिश म्यूज़िक ज़्यादा बज रहा है। ये एक फोटो पॉइंट है, चेयर बनी हुई है और इसके ऊपर ये पोर्टोरिको का फ्लैग बना हुआ है पूरा। तो ये है गुआबो, तो ये सेल्फी पॉइंट या फोटो पॉइंट है यहाँ का। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे थे आइसक्रीम की दुकान, आइसक्रीम की दुकान चल के हमारे पास खुद आई है। ये आइसक्रीम ट्रक है, तो वेफल है, ब्राउनी, बहुत सारी आइसक्रीम्स है। तो आइसक्रीम खाने का मन था, तो वो एक जो दुकान है इस पर जो स्टोर दिख रहा था वो बंद हो चुका है, तो हम अभी घर के लिए वापस जा रहे थे, तो फाइनली जाते जाते हमें ये दिख गया। तो अभी से आइसक्रीम लेते हैं, आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाते खाते कर जाएंगे। $2 का ही क्या शायद वेफल ये वाला, बट ठीक है, रीजनेबल है, क्योंकि अगर अपने वहाँ पे अपन वेफल खाते हैं तो $5-6 से कम नहीं मिलता है, यहाँ पे $2.5 का, और टूरिस्ट लोकेशन के हिसाब से रीजनेबल है और अच्छा भी है, फ्लेवर अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। तो अभी टाइम बच गए हैं 8:30, तो अभी ये जो क्राउड था यहाँ पे बिल्कुल अब तो ख़त्म हो गया सब बिल्कुल यहाँ पे, तो शायद 8:30-9 बजे तक ये सब कुछ बंद हो जाता होगा। तो अभी यहाँ से पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, पार्किंग से गाड़ी लेते हैं और घर चलेंगे। घर चल के आज अपनी रूफटॉप जो थी उसको थोड़ा एंजॉय करेंगे वहाँ बैठ के, तो घर के लिए निकलते हैं। यहाँ से घर पहुँचने में शायद 5 मिनट लगेंगे, बहुत पास है, 1/2 माइल भी नहीं है। तो ये सामने पार्किंग, चलते हैं गाड़ी लेते हैं और निकलते हैं।